जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में न्यूमेरिकल काफी रिपीट हो रहा है वो रिलेटेड है पावर से। ठीक है, तो पावर के मुताबिक एक छोटी सी थ्योरी है जो क्या आपने समझ लिया जो क्या है। देखिए हम जो बात करते हैं जो पावर है उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं वर्क को हम जब भी डिवाइड करें किससे टाइम से तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कोई वर्क कोई काम कितने वक्त में हो रहा है इसे हम क्या डिफाइन करते हैं पावर डिफाइन करते हैं। तो पावर में असल जो क्वेश्चन है वो है इसके मुताबिक टाइम के मुताबिक। एक आप लोगों से सवाल करता हूँ कि अगर ओवरहेड टैंक होता है ठीक है बिल्डिंग्स में और एक अंडरग्राउंड टैंक होता है तो अंडरग्राउंड टैंक से पानी की मोटर के जरिए ओवरहेड टैंक को भरा जाता है तो अब दो मोटर लगे ए और एक बी। ए मोटर पानी जो ओवरहेड टैंक को मुकम्मल तौर पर भर देती है एक घंटे में और बी मोटर जो है वो ओवरहेड टैंक को मुकम्मल तौर पर भर देती है दो घंटे में। तो मुझे बताइए किसने ज्यादा वर्क किया ए ने या बी ने। तो आपने कोई कहता है ए कोई कहता है बी तो सवाल यहां पर दोनों ने इक्वल वर्क किया है दोनों ने ओवरहेड टैंक को भरा है। हाँ ए वाले ने एक घंटे में भरा है बी वाले ने दो घंटे में भरा है तो असल जो क्वेश्चन है वो टाइम का आ गया वर्क दोनों ने बराबर किया। जैसे आप किसी मजदूर को कोई काम देता है वो काम करके देता है आपको तो वो काम उस मजदूर को दे किसी और मजदूर को दे वो काम करके देगा नहीं लेकिन कितनी देर में कर रहा है यहां पर क्वेश्चन आ जाता है किसका पावर का। सो पावर में द रियल क्वेश्चन इज अबाउट द टाइम के सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम अमाउंट ऑफ वर्क कितने टाइम के अंदर मुकम्मल कर रहे हैं। ओके तो वो मोटर जिसे एक घंटे में भरा उसकी पावर ज्यादा है वो मोटर जिसे दो घंटे में उस टैंक को फिल किया उसकी पावर कम है वर्क दोनों ने बराबर किया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है लोगों को पावर का हम वर्क का टाइम पे दे रहे हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क जो है हमारे पास एक और चीज होती है जिसे क्या बोलते हैं एनर्जी तो एनर्जी का पावर है ये भी क्लियर है। तो पावर का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम कोई इशू इसके अंदर नो सर। तो कहीं पर अगर मुझे वर्क मालूम करना हो या दूसरी जबान में वर्क कह रहे हैं या कह रहे हैं एनर्जी तो हम इस तरीके को फॉलो करते हैं कि पावर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आसान इशू तो नहीं इसके अंदर वो चीज जिसको हम वर्क या जिसको हम एनर्जी कह रहे हैं इसकी बहुत सारे नाम भी रखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एनर्जी की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो फॉर्मूला है एम जी एच। अब अगर किसी न्यूमेरिकल को कहते हैं एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से उठाकर ऊपर लेके जा रहे हैं तो अगर आप पावर कैलकुलेट करते हैं तो नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं यानी हाइट कवर करवा रहे हैं तो वहां पर जो वर्क होगा उस वर्क को मैं पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूं। यस तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान में रहना चाहिए कि पावर कैलकुलेट करते हुए जब किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो उस वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी कह दो राइट। इसी तरीके से पावर कैलकुलेट करते हुए किसी चीज को मूव करवाया जा रहा है वेलोसिटी से तो उसको आप काइनेटिक उस वर्क को उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कह दो। तो न्यूमेरिकल में एनर्जी और वर्क दोनों एक साथ आपके दिमाग में रहने चाहिए ताकि कोई ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ये बात समझ आ रही है। अच्छा अब एक बात और करनी है हमने कुछ यूनिट से बता दी और वो ये है कि देखो एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है हमारे पास क्या सेकेंड तो जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं तो जो पावर है उसका एस आई यूनिट हमारे पास क्या है वॉट। एक और चीज हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर उसको हम एच पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली क्या होती है रखिएगा हम कहते हैं कि वन हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट। ये कन्वर्जन याद रहेगी वन हॉर्स पावर इसके बराबर है 746 वॉट का। अब जरा मैं कुछ जो काम करो उसको और से क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 746 और वॉट का मतलब क्या है जूल पर सेकेंड तो इट इज जूल पर सेकेंड तो मैं कहूंगा वन हॉर्स पावर 746 जूल पर सेकेंड के बराबर है। जूल किसका यूनिट है एनर्जी का एनर्जी बोलने या क्या बोलते हैं वर्क और अगर आप वर्क कह रहे हैं तो क्या आपके पास जानते हैं कि वर्क जो है वो फ्लो और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। उसका मतलब यह है कि जो जूल है उस जूल की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं फोर्स का यूनिट क्या न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर। तो जूल किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल होता है
डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है सेकंड, तो मैं कह सकता हूं कि 746 न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्वल है, कोई इशू नो सर। ये सब काम मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया कि एक और मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे कोर्स में शामिल है और वो ब्रिटिश स्केल के अंदर है। ब्रिटिश लोग जो डिस्टेंस है या हाइट है उसको मीटर में नहीं फीट में नापते हैं, कहते हैं ना जैसे हमारी हाइट कितनी है 5 फुट 8 इंच, तो ये फुट और इंच यानी फीट का हिसाब किताब है ब्रिटिश स्केल का। तो ब्रिटिश स्केल में हमारे जो मीटर है इस मीटर की जगह पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फीट इस्तेमाल करते हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो हम लोग ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं न्यूटन, ब्रिटिश लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन ही इस्तेमाल करते हैं, पाउंड इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने रेस्टिंग में देखा होगा कि रेस्टर आपको पता है इतने पाउंड उसका वेट है, यस, तो पाउंड के लिए एल बी का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, एल बी, तो न्यूटन की जगह पाउंड आ गया और मीटर की जगह पे फीट आ गया और सेकंड पे सेकंड की जगह पे सेकंड ही रहता है, वो टाइम को सेकंड में बदल सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि वन हॉर्स पावर किसके इक्वल है, तो याद रखिएगा ये 550 के इक्वल है, ये बात याद रखिएगा। तो बी केयरफुल, ये जो मैं रिकॉर्ड एग्जाम का न्यूमेरिकल उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम में काम करता है, अगर एग्जाम में फील्ड इस्तेमाल हो रहा है, पाउंड इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड कलर इस्तेमाल हो रहा है, फीट फीट और पाउंड ये दो रहते हैं, तो याद रखिएगा हॉर्स पावर के लिए कन्वर्जन फैक्टर पर क्या होगा 550। लेकिन अगर वॉट है या जूल है या मीटर मीटर जैसे लफ्ज ऐसे यूनिट है तो फिर कन्वर्जन फैक्टर 746 होगा हमारे पास, इसमें कोई इशू तो नहीं है, आसानी से बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रहना चाहिए जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉरवर्ड की मैंने जो बात बताई इसका न्यूमेरिकल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो आई बिलीव न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, ये मोस्ट रिपीटेड एग्जाम के अंदर है। इसका यूनिट क्या होगा, देखो मास किलोग्राम में है, हाइट मीटर में है, टाइम
एक्सेप्टेड मैच उसका मतलब कि ये हमारे पास क्या रहेगा यानी ऐसे यूनिट्स के अंदर है ना तो ये एनर्जी किसमें है हमारे पास जूल में और ये टाइम किसमें सेकंड में तो इसका मतलब जूल पर सेकंड में मतलब वॉट है ना तो यहां पे आपका है कन्वर्जन फैक्टर है वॉट से किसके जाने के लिए हॉर्स पावर जाने के लिए वो क्या है 746 किससे डिवाइड करेंगे तो वॉट से वो हॉर्स पावर जाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 746 ये मुझे कैसे पता चला 746 इस वॉट से यानी जूल से जूल के मतलब के तमाम स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट में हाई किस में मिलते हैं ओके तो इसको वॉट की वैल्यू निकाल दो कितनी निकल गई 0.204 इसी को तो हमने 0.204 को 746 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 2.7 बिल्कुल ठीक है 2.7 into 10 raised to the power minus 4 into 10 raised to the power minus 4 minus 4 HP book mein 4 pe likha hai dekhiye 4 aaya answer mein 2.74 theek hai to ye aapka answer aa chuka mera khada sound mein kitna kar sakte hain koi issue to nahi iske andar bismillah rahman rahim maths mein hai hamare paas 6 hai theek hai 6 numerical ke andar keh raha hai a horse pulled a cart cart kya hota hai jo ghode ke sath buggy hoti hai jise urdu mein buggy kehte hain ya trolley kehte hain ठीk hai to ek cart hai us cart ko ek horse ye jo bata raha hai ki samajh lo cart ठीk hai ye wo trolley hai jis trolley ko ek horse khench raha hai ठीk hai to keh raha hai horse pulled a cart horizontally with a force of 40 pounds kitni force hai hamare paas 40 pounds to bas samajh aaya aapko dekhna hai ब्रिटिश स्केल में जा चुका है तो ये फोर्स है और वो कह रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है थीटा का कितना है 30 डिग्री तो चूंकि मैंने पहले पहले देख चुका था इसलिए मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में बनाई तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा हॉरिजॉन्टल से इसकी लाइन ऐसे लगाई है ये शुरू से कोई इल्हाम नहीं होता है लाइन ऐसे लगाना समझ आ रही अच्छा जी कह रहा है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड मूव्स अलोंग एट स्पीड ऑफ 6 माइल्स पर आवर जिस ये स्ट्रॉली को जिस स्पीड से खेल रहा है वो 6.0 माइल्स पर आवर अच्छा अब याद रखिएगा अगर ब्रिटिश लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसके अंदर फीट के अंदर ऐसी बात है ना तो जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है तो आप वो एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको कि यहां पर जो डिस्टेंस था वो किसमें आना चाहिए था फीट में और टाइम सेकंड में या आवर से सेकंड में ज्यादा कोई इशू नहीं है क्या है इससे इसमें ज्यादा कोई इशू नहीं है लेकिन माइल से फीट ये कोई खोपड़ी पर फिट नहीं हो रहा ब्रिटिश लोग जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं फीट में क्यों कह रहे हैं सबसे पॉइंट दे दिए तो डिस्टेंस को किसमें देना चाहिए था फीट में उसको किसमें दे दिया माइल्स में इसका मतलब है यहां हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको माइल्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फीट में अगर हमें ब्रिटिश स्केल के साथ डील करना है तो ये बात समझ में आ रही है यस सर अच्छा अब हमारी बुक में माइल्स से फीट में कन्वर्जन कैसे होती है ये हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और एग्जाम में उसे ब्रैकेट में कन्वर्जन फैक्टर को लिखता है तो आज ये याद भी कर लो एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा बाहर ये कन्वर्जन फैक्टर आपको रटना नहीं है आपको गिवन वैल्यू सुनाता है और ये भी होता है याद रखिएगा कि 1 माइल इक्वल होता है 5 to 80 फीट ये गिवन वैल्यू है बस ओके तो मैं इसको भी ऐसे कर लेता हूं डेटा के दरमियान में कि अब मैं डेटा बाद में पास में नहीं गई क्लियर तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं ये तमाम चीजें और ये तमाम चीजें मैं क्या करता हूं मिटा देता हूं ठीक है क्योंकि हम डेटा लिख रहे हैं तो हमारे डेटा क्या है 6 माइल्स के बराबर एग्री ओके आगे वो कह रहा है ए पार्ट में कौन से कह रहा है हाउ मच डज द हॉर्स हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 10 मिनट्स कितना वर्क करेगा टाइम कितने में 10 मिनट में तो मिनट से सेकंड में ज्यादा इशू तो नहीं है एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं
डिस्प्लेसमेंट के ये फॉर्मूला वापस पढ़कर चैप्टर नंबर 7 पे लगा बंदा फॉर्मूला जब हम ये ड्रॉ बताते हैं वेक्टर चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि चूंकि दोनों वेक्टर है लेकिन आंसर क्या स्केलर आ रहा है Good. 304.8
तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट फील्ड और नीचे क्या आ जाएगा सेकंड ठीक है जो मैंने आपसे कहा था तो इसका यूनिट बन गया फीट पाउंड पर सेकंड ये बहुत एहतियात करके यहां नंबर माइनस हो जाएंगे कोई गलती कर लेंगे ठीक है यूनिट ये देखिए अब मुझे पावर बता दिए हॉर्स पावर बता दो फाइव सेवन फोर एट नाइन अब अगर आप मुझे बोलोगे सेवन फोर्टी सिक्स वहां पाएगा